तो आज हम बात करेंगे कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे एक्टर्स जो कि थिएटर बैकग्राउंड से हैं, वो सवाल पूछते हैं कि कैमरा एक्टिंग के लिए क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, किन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, वेलकम यू ऑल टू एन एक्टर्स क्राफ्ट। मेरा नाम अरविंद है, मैं एक एक्टर हूँ यानी कि कलाकार हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एक बेसिक सा कॉमन सा डिफरेंस ये है जो कि हम सबको पता है कि थिएटर एक्टिंग के अंदर ऑडियंस हमारे सामने बैठी रहती है, लाइव परफॉर्म करना पड़ता है। कैमरा एक्टिंग में हमें नहीं पता है कितने कट्स लगे, कितने शॉट्स लगे, पर थिएटर एक्टिंग के अंदर हमें उससे पहले 50 से 60 परफॉर्मेंस यानी रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम लाइव परफॉर्म कर पाते हैं। कैमरा एक्टिंग में कोई इतनी रिहर्सल्स या वर्कशॉप्स नहीं करता है। कुछ अच्छी फिल्में होती हैं जिसके लिए वर्कशॉप्स रखी जाती हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसको डिटेलिंग में समझेंगे। यानी सीधा सा सवाल ये है कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, जवाब देंगे हमारे टीचर शांतनु बोस। तो चलिए देखते हैं क्या जवाब है। थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग कम्प्लीटली दो डिफरेंट थिंग है। इतना ही अलग है जैसे कि ठुमड़ी और रैप। थिएटर एक कंटिन्यूअस एक्टिंग प्रोसेस है, आपको पूरे एक घंटा दो घंटा जितना भी है आपको कंटिन्यूअसली उसी मोमेंट पे रहना पड़ता है, आपको सीन बाई सीन, इमोशन बाई इमोशन एक लाइन मिलता है। सिनेमा एक्टिंग में यू है आपको कैरेक्टर के 10 साल बाद का और उसके बाद शुरुआत का और एक शॉट आज का और एक शॉट 5 साल बाद का, ये सब साथ साथ देना पड़ सकता है और सेम इमोशन बार बार रिप्रोड्यूस करना पड़ सकता है, उसका भी मात्रा छोटा बड़ा करना पड़ सकता है फॉर क्लोजअप, लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, इस सब के लिए। ऑल्सो थिएटर में क्योंकि ऑडियंस काफी दूर है, सिनेमा की तरह कभी इतनी करीब नहीं है कि तो कि आपके शक्ल के हर मसल, आपके बॉडी के हर छोटे मूवमेंट को वो देख पाए, और आपके पास भी इतना साधन नहीं है कि आप सारे ऑडियंस को आपके सारे डिटेल दिखा पाए, क्योंकि आपका एक फिक्स्ड पोजीशन है और आपके जो दर्शक है वो भी एक पर्टिकुलर दिशा में ही बैठे हुए हैं। पर फिल्म में किसी भी दिशा से, किसी भी एंगल से आपके सर से लेकर पैर तक सारे एक्टिंग के डिटेल कैप्चर किया जा सकता है और करते भी है। सो ये जो मल्टी डायरेक्शनलिटी है, ये जो कंप्लीटली एक स्कल्पचरल फॉर्म है सिनेमैटिक एक्टिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो थिएटर की एक्टिंग में अगर आप थोड़े बहुत क्राफ्ट के भरोसे, आपको अंदर से इमोशन नहीं है पर आप थोड़ी सी आवाज रुआसा बना के बोल दो, तो प्रोसेनियम थिएटर में थोड़े दूर से लास्ट रो के दर्शक के लिए या इनअटेंटिव दर्शक के लिए वो चल जाता है। पर फिल्म, बिकॉज अ क्लोजअप इज रियली कैचिंग योर फेस इन द मैक्सिमम साइज एंड इट्स वेरी वेरी बिग एंड इन वेरी वेरी डिटेल्ड, तो वहां एकदम झूठ नहीं चलता। अनटिल अनलेस यू हैव द रियल ट्रूथ इनसाइड यू and you are living in that moment, आपका आपके लिए आपका बिल्कुल here and now completely clear है और आप उसको perform कर पा रहे हैं, तभी वो work करता है। थिएटर में उतना डिटेल नहीं करने से या और कोई रास्ता लेने से भी वो कई बार work कर जाता है। तो जैसे कि शांतनु सर ने कहा कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में जमीन आसमान का अंतर है, इसको हम भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ज्यादा डिटेलिंग में नहीं किया है, पर कुछ पॉइंट्स बनाए, उसमें सब कुछ हम कवर कर लेंगे। जैसे कि स्कूल में करते थे हम, पॉइंट्स बनाते थे वैसे ही। तो पहला पॉइंट, थिएटर में अगर कोई प्ले करते हैं हम तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको परफॉर्म करना पड़ेगा ऑडियंस के सामने, कोई भी सीक्वेंस उठाकर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं बीच में से। पर कैमरा एक्टिंग के अंदर डायरेक्टर बोल सकता है कि ये वाला सीक्वेंस पहले शूट करूंगा, यानी कि आखिरी का पहले और पहले का बाद में, ऐसा होता है कैमरा एक्टिंग में। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं थिएटर में भी और कैमरा में भी। सीक्वेंस ये है कि एक कैरेक्टर है जिसने किसी का मर्डर कर दिया स्टार्टिंग में, सीक्वेंस के स्टार्टिंग में, और एंड में उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने जो किया वो गलत किया। तो थिएटर एक्टिंग में पूरा करके दिखाना पड़ेगा, पहले मर्डर करना पड़ेगा, फिर उसको रिग्रेट होगा, फिर उसका रियलाइजेशन होगा। कैमरा एक्टिंग में डायरेक्टर बोल सकता है कि नहीं, पहले रियलाइजेशन वाला जो सीक्वेंस है ना वो शूट करेंगे। थिएटर एक्टिंग में आपने उसको जी लिया, कैसे मैंने उसको मारा, फिर उसको रिग्रेट, सब कुछ जी लिया, पर उसने तो जिया ही नहीं, उसको अब सीधा रियलाइजेशन करना है शूट, यानी उसको सारा इमेजिन करना पड़ेगा कि मर्डर किया कैसा लगा, ये सारा इमेजिन करना पड़ेगा, अभी तक जिया नहीं उसने। तो ये डिफिकल्टी आती है कैमरा में, आप यानी कि एक जर्नी जी रहे हो आप थिएटर में, उन इमोशंस को जी रहे हो,
यानी थिएटर आपको एक स्टेट ऑफ माइंड में बांध के रखता है, पूरे इमोशन में, पूरे पेस में बांध के रखता है कि हाँ ये सीन चल रहा है, ये प्ले चल रहा है, 1.5 घंटे का हम उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। कैमरा एक्टिंग में बार बार आपका कट्स में फोकस टूटता है, फिर वापस उसी इमोशन में आना पड़ेगा आपको, उसी इंटेंसिटी के साथ इमोशन को तोड़ के फिर दोबारा से आना पड़ेगा। थिएटर में चल रहा है, इमोशन बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। कैमरा में ऐसा नहीं है, एकदम से इमोशन लाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये पहला डिफरेंस। आते हैं दूसरे डिफरेंस पे। दूसरा डिफरेंस, थिएटर एक्टिंग के अंदर अपनी एक्टिंग छुपा सकते हो। अगर अंदर इमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर, खोखले हो अंदर से, फिर भी छुपा सकते हो। कैसे? अपनी वॉइस का यूज करके, स्पीच का, डिक्शन का, बॉडी लैंग्वेज का यूज करके। वॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा दूर बैठी है, लास्ट रो में जो बंदा बैठा है उसको भी आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। तो आवाज तेज करनी पड़ेगी, आवाज पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसीलिए आवाज, वॉइस, पिच, इन सब पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। पर अगर कैमरा एक्टिंग के अंदर आपके अंदर कुछ नहीं है, इमोशन नहीं है ना अंदर, तो कैमरा देख लेगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा फेक कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कैमरा एक्टिंग में और थिएटर एक्टिंग में। तीसरे डिफरेंस पर आते हैं। तो तीसरा डिफरेंस, थिएटर में क्या होता है, एक प्ले के लिए 50 से 60 रिहर्सल्स होती हैं, और उन 50-60 रिहर्सल्स में कोई सीन कर रहे हैं हम, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, 60 बार 70 बार 80 बार, तो वो मैकेनिकल हो जाता है, फिर अंदर से नहीं आता है, फिर वो बॉडी को आदत हो जाती है कि हाँ यार यहाँ से उठकर जाना है, वहाँ बैठना है बस, और बोलते हुए जाना है। तो वो मैकेनिकल हो गया, बोरियत हो गया, कुछ नयापन नहीं है। पर कैमरा में आपके पास इंप्रोवाइजेशंस होने चाहिए बहुत सारे, आपने जो वर्कशॉप में किया है वो नहीं करेंगे आप, कुछ और इंप्रोवाइज करेंगे, तभी तो वो दिखेगा, नेचुरल दिखेगा कैमरा में। थिएटर में तो बचा लेंगे वॉइस और स्पीच इन सब का यूज करके, पर कैमरा में कैसे बचाओगे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर हमें थिएटर में अगर मुझे पेन उठाकर अगर किसी पेज पर कुछ लिखना है, तो बार बार अगर उसको वैसे ही पेन उठाया, मैंने लिख दिया वैसे ही पेन उठाया, लिख दिया वैसे ही पेन उठाया, फिर तो मन भी नहीं करेगा लिखने का, फिर वो मैकेनिकल हो गया, बोरियत हो गया। तो उसमें चेंज कैसे ला सकते हो, नयापन कैसे ला सकते हो? आपने पेन उठाया, पेन उठाकर आपके हाथ से पेन गिर गया, तो आप नीचे झुके और नीचे से झुककर आपने पेन उठाकर फिर लिखना स्टार्ट किया, एक नया स्टेप, एक नया इम्प्रोवाइज, आपको नया लगेगा क्योंकि वो पहली बार हुआ है आपके साथ। अभी पेन उठाया, ढक्कन नहीं खुल रहा है आपसे, तो ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद लिखना है, तो वो दूसरा एक नया इम्प्रोवाइजेशन, उसमें आपको नया फील होगा क्योंकि वो पहली बार हुआ है। तीसरा भी हो सकता है कि अगर पेन नहीं चल रहा है तो उसको ऐसे थोड़ा सा झटकाना पड़ेगा, ये तीसरा। ऐसे इंप्रोवाइज करेंगे तो नयापन आएगा, वो नयापन लाने की जरूरत है, बोरियत खत्म करने की जरूरत है। तो ये तीसरा डिफरेंस था। अब आते हैं चौथे पे। चौथा डिफरेंस, थिएटर के अंदर बारीकियां नहीं पकड़ पाते हैं हम, एक्टर की या फिर जो भी हो रहा है उसकी बारीकी नहीं पकड़ पाते हैं। कैमरा में कैमरा बारीकियां पकड़ लेता है। छोटा सा एग्जांपल, दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, कैमरा में शूट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बात करते करते एक कैरेक्टर ने ऐसे अपनी आंखें इधर कर ली, हमें क्या लगेगा? इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, उसने उधर देखा, यानी कि वहां कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही लगेगा हमें। पर थिएटर एक्टिंग में अगर मैं टेढ़ा खड़ा हूं, आंखें इधर कर ली, तो पता भी नहीं चलेगा ऑडियंस को, दिखेगा ही नहीं ना। इसलिए बारीकियां, हम जो दिखाना चाहेंगे ना कैमरा एक्टिंग में वो दिखा सकते हैं, छोटी से छोटी चीज, छोटे से छोटा एक्शन बहुत बड़ा करके दिखा सकते हैं हम। थिएटर एक्टिंग में फाउंडेशंस हैं ये बहुत सारी, हम नहीं दिखा सकते हैं। तो ये था चौथा डिफरेंस। अब आते हैं लास्ट पांचवें डिफरेंस पे, उसी में दो चीजें हैं, कंबाइन करके बोल देंगे। तो पांचवा यानी कि लास्ट डिफरेंस वो ये है कि थिएटर के अंदर बॉडी मूवमेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है, फैल कर करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, एक ही लॉन्ग शॉट लगा है, वाइड शॉट लगा है, कोई क्लोजअप नहीं है, कोई मिड शॉट नहीं है, तो सब कुछ पूरी बॉडी से दिखाना पड़ेगा, और ऑडियंस बहुत ज्यादा है तो लाउड करना पड़ेगा, फेशियल एक्सप्रेशन से लाउड करना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज से लाउड करना पड़ेगा। मतलब कि अगर बुड्ढे का कैरेक्टर मिला है तो झुकना पड़ेगा आपको, दिखाना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो सटल तरीके से इमोशन को दिखाने की कोशिश करेंगे तो नहीं देख पाएंगे वो। इसलिए हमेशा लाउड करना पड़ता है, एग्जैजरेट करना पड़ता है, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी रोना है तो ज्यादा रोकर दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को, तब उनको थोड़ा सा लगेगा। तो ये था लास्ट डिफरेंस, इसको यहीं तक रखते हैं, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जवाब देंगे हमारे टीचर शांतनु बोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।